शुक्रिया सर. जब एक बात आप जो बोले थे कि एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में कुछ दें, तो आज वैसे ही हम जिस जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं अपने ही टॉपिक पे बोलने वाले हैं और कॉन्क्रीट लेक्चर होगा. दूसरी बात जो आपकी लास्ट जो आपने कही, वो शायद हम शाम में भी उस पर डिस्कस करेंगे, कि हमारा मकसद यही था कि एक रोज़ से हम शुरू करें. अगर आपका फीडबैक है, अगर आपका रिस्पॉन्स है, तो हाँ अगली बार एक दो या तीन दिन का प्रोग्राम हो सकता है जिसमें सुबह के सेशंस थियरी हो और आफ्टरनून पूरा हर सब्जेक्ट का अलग अलग हैंड्स ऑन. हमारे लैब्स भी हैं यहाँ पर, तो लेकिन क्योंकि हम लोग भी तजुर्बे का भी हम ये एक तजुर्बा किया है कि पहली बार एक रोज़ का करके देंगे. इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल, हम उसको डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्स पे ही सब हमारे प्रोग्राम्स आगे के उसकी बुनियाद होती है. अब मैं हमारे रिसोर्स पर्सन जिनको हम तफसील से तो अपने सब्जेक्ट पे दोपहर के सेशन में सुनेंगे, इससे मुतालिक अगर सर अपनी कुछ बात आप लोग एक दो मिनट या तीन मिनट में रख सकते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ. सर जफर साहब, सबसे पहले प्रोफेसर जफर साहब को मैं दावत देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. लेकिन दावत का मतलब ये होता है कि लंच टाइम हो गया. बहरहाल देखिए, मैं दो एक बातें अर्ज़ करना चाहूँगा. अभी ये कि किसी पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि भाई उर्दू की वजह से उन्हें कुछ किसी तरह किसी किस्म का इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या उनके तालिब इल्मों को होता है. तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ कि देखिए, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबला होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वो इसलिए कि ये ज़बानें जो हैं ये आपके इजहार का ज़रिया हैं. अगर कोई शख्स बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानता है तो वो आप तक अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा है. ज़रूरी नहीं कि वो बहुत काबिल हो. काबिलियत का अंदाज़ा अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी या उर्दू से ना लगाइए. मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, अंग्रेज़ी में उसी वक्त बोलता हूँ जब मुझे मालूम हो कि जो सामने वाला है उसको वो नहीं समझ पाएगा उर्दू, तब मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ. लेकिन हत्तौल इम्कान कोशिश ये होती कि उर्दू बोलूँ. कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है. ज़बान जो है कि आपके ख्यालात की तर्जुमानी करती है, इजहार का ज़रिया है. और न कोई ज़बान में कोई रीजनलिज्म होता है, ना इलाकाइत होती है, न कोई मज़हब होता है. अगर मज़हब होता तो चूँकि कुरान जो है अरब्स के ऊपर आया, अरब्स जो थे वो अव्वल तरीन उनके मुखातिब थे, तो इसलिए वो अरबी ज़बान में आया. अगर कुरान फ्रांस में आता तो फ्रांसीसी ज़बान में आता. तो ज़बान जो है उसका कोई उसको रीजन की ज़रूरत रिलीजन को जो है रीजन की ज़रूरत नहीं होती है. उसके लिए मैं आपको एक देखिए मिसाल बताता हूँ कि ज़बानें किस तरह से चलती हैं. एक छोटा सा छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा इस छोटे से पैराग्राफ में उर्दू कहाँ है. एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और नन्ना मुन्ना बच्चा बैठे थे. बावर्ची ने टेबल पर नाश्ता लगाया. नाश्ते में टोस्ट और उड़द की दाल थी. आदमी ने बाल्टी से पानी निकाला और हाथ धोया और ख्वाब गाह में जाकर संदूक खोला, इसमें से पिस्तौल निकाली, दीवार से टंगी हुई बंदूक उतारी और शिकार गाह की तरफ रवाना हो गया. कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मुश्किल हो उसमें? और देखिए इस हफ्ते से पैराग्राफ में कितनी जारी ज़बानों के अल्फाज आए. मकान, एक मकान, मकान अरबी का लफ्ज़ है. ये एक कमरे, कमरा जो है इटालियन लफ्ज़ है. गोरा चिट्टा में चिट्टा जो है पंजाबी लफ्ज़. नन्ना मुन्ना, नन्ना जो है गुजराती लफ्ज़. बावर्ची टर्किश. टेबल अंग्रेज़ी. बावर्ची ने मेज़ टेबल पर नाश्ता लगाया. टेबल अंग्रेज़ी. नाश्ता फारसी. नाश्ते में टोस्ट अंग्रेज़ी और उड़द की दाल तमिल. आदमी ने बाल्टी से पानी निकाला, बाल्टी पुर्तगीज, और हाथ धोया. ख्वाबगाह में जाकर ख्वाबगाह पर्शियन. जाकर संदूक खोला, संदूक टर्किश. इसमें से पिस्तौल निकाला, पिस्टल अंग्रेज़ी. और दीवार से टंगी हुई बंदूक उतारी, दीवार पर्शियन. बंदूक टर्किश. और शिकारगाह की तरफ रवाना हो गया, शिकारगाह पर्शियन. तो इसमें कहीं है कोई सर रीजन? हम मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ करके एक कम्युनिकेशन का तरीका बनाते हैं. तो उर्दू लैंग्वेज जो है वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है. तो इसमें किसी किस्म का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला हैं तो हों तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वजह से हों, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं. अगर उसमें नहीं है आपको महारत, तब आप
شوق سے ہوئیے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا کوئی منع نہیں کرتا لیکن زبان کے حوالے سے بالکل مت ہوئیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے دیکھیے جب تک یہ انفیریٹی کمپلیکس نہیں نکلے گا کہ صاحب ہمیں انگریزی اچھی نہیں آتی کوئی بات نہیں اچھی آتی آپ جس زبان میں کمیونیکیٹ کر رہے ہو وہ تو اچھی آتی ہے جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہو وہ اس زبان میں اچھے سے آپ پڑھا سکتے ہیں یہ چیز ہمیں ہونی چاہیے اور چونکہ ہم یہاں اردو یونیورسٹی اور اردو ٹیچرس کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری اردو بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ سبجیکٹ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر ہم انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں تو پھر تو بھائی ماہر نفسیات سے رجوع کریں اس کا کوئی حل نہیں ہے بہرحال شکریہ بہت بہت